नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक और न्यू वीडियो में। और मेरा नाम अपन गोस्वामी, आ गया हूँ एक और न्यू वीडियो साथ। और दोस्तों, आज इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कि जो 2020 के नए टायर होते हैं उनको कैसे फिट करें। तो आज ये नया टायर और नई रिम आई है अपने पास फिट होने के लिए, तो अब इसको फिट करते हैं। और दोस्तों, जो नई रिम होती है उसमें एक दिक्कत आती है कड़ा निकालने में। क्या है कि कड़ा नीचे फिसलता रहता है और आसानी से निकलता नहीं है। तो मेरे को भी दिक्कत आई थी, लेकिन ये कड़ा निकल गया आसानी से। तो अब तो क्या है कि इसके कड़े को आसानी से आराम आराम से निकालें आप, ठीक है? जिससे क्या है कड़ा आसानी से निकल जाएगा। थोड़ा आराम से निकालें। और कड़ा निकालते टाइम दोस्तों आप एक ध्यान रखिए, कड़े के ऊपर पैर रख लीजिए, जिससे क्या है कि कड़ा उछलेगा नहीं और आपको ये लगने का डर नहीं रहेगा। और अब इस टायर के अंदर पाउडर लगा देते हैं, जिससे क्या है कि जो पाउडर से एक फ़ायदा होता है दोस्तों, जब भी आप आगे जो भाई है टायर आगे फैलाता है कहीं पर, तो जब लंगोट निकालते हैं तो लंगोट नहीं फटता है, ठीक है? तो अगर आप पाउडर नहीं लगाते तो लंगोट क्या है चिपक जाता है टायर के, और निकालने पे क्या है लंगोट फट भी सकता है। तो इसलिए क्या है कि आपको शिकायत आ सकती है। तो उससे अच्छा है आप 2 मिनट लगा के टायर के अंदर पाउडर लगा के फिर ही टायर को फिट करें। कई भाई क्या करते हैं कि आलस कर देते हैं और टायर के अंदर पाउडर लगाए बिना टायर को सीधा ही फिट कर देते हैं। तो दोस्तों, ऐसा मत किया करो, टायर के अंदर पाउडर लगा के फिर ही टायर को फिट किया करो। और दोस्तों, टायर के अंदर पाउडर उतना लगाए जितना क्या ट्यूब चिपके ना, ठीक है? ट्यूब और लंगोट ज़्यादा पाउडर भी मत लगाया करो। ज़्यादा पाउडर से एक दिक्कत आती है कि जब आप ज़्यादा पाउडर लगा देते हो तो वो क्या है कि पाउडर इकट्ठा होके उसके दाने बन जाते हैं, और वो दाने क्या है कि ट्यूब को पंचर भी कर सकते हैं। तो ऐसी शिकायत ना है, इसे क्या है कि आप ज़्यादा भी पाउडर ना लगाओ और कम भी ना लगाओ, बस जितना लगा दो कि ट्यूब चिपके भी ना और लंगोट भी ना चिपके, तब इसकी ट्यूब को फिट कर देते हैं। तो ये तो फिट करना बहुत आसान है। तो फिट में और दोस्तों, ट्यूब फिट करने के बाद आप थोड़ा सा ट्यूब के अंदर हवा भर लीजिए, जिससे क्या है कि जो आप लंगोट लगाओगे लंगोट क्या है अंदर से मुड़ेगा नहीं, ठीक है? सही से फिट हो जाएगा। कई भाई क्या करते हैं हवा नहीं भरते तो वो क्या है लंगोट मुड़ जाता है और उसमें दिक्कत आती है, लंगोट फट भी सकता है। तो उससे अच्छा है आप 2 मिनट लगेगा आप हवा भर के फिर ही लंगोट को फिट कर दीजिए। और जो ये रबड़ का जो लगा होता है लंगोट के ऊपर, ये लंगोट होते हैं उनके ऊपर लोहे का लगा होता है टुकड़ा, और ये जो लंगोट है इसके ऊपर रबड़ का लगा है प्लास्टिक का। तो ये दोस्तों कई टायरों के अंदर से निकल जाता है लंगोट के अंदर से, तो वो अगर निकला हुआ है तो उसको आप दोबारा लगा दीजिए। अगर उस टायर के अंदर नहीं है तो आप पुराने लंगोट से निकाल के भी लगा सकते हैं, लेकिन ये निकालना बहुत ज़रूरी है। इसके बिना क्या है कि जो लंगोट होता है वो फट भी सकता है, जो रिम का छेद है उससे बाहर निकल गए। और दोस्तों, ये वीडियो मैंने उन भाइयों के लिए बनाई है जो नया टायर पंचर का काम सीख रहे हैं, ठीक है? तो वो भाई तो क्या है कि जो मैं कई सालों से काम कर रहे हैं, तो उनको तो क्या बताने की ज़रूरत है, वो तो मेरे से ज़्यादा जानते हैं, ठीक है? मैंने तो ये वीडियो उन भाइयों के लिए बनाई है जो क्या है नया टायर पंचर का काम सीख रहे हैं, उनको मेरे जैसा ही काम आता है, ठीक है? मैं अभी खुद भी काम सीख रहा हूँ, मेरे को इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं है जितना आपको है, लेकिन जितना मेरे को जानकारी है उतनी तो मैं अपनी वीडियो में बता देता हूँ। तो दोस्तों, आप नलकी को पूरा सेंटर में रख के और फिर कड़े को फिट कर दीजिए। तो अब ये कड़ा है, कड़े को लगा के फिट कर देते हैं। फिर इसकी नलकी थोड़ी सी टेढ़ी है, तो उसका आप बाद में भी कर सकते हो। अगर नया टायर है तो नया टायर तो क्या है दोस्तों खुला हुआ नहीं होता, वो तो आप कड़ा लगाने के बाद भी इसमें नलकी को सेट कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, तो आपको बस ये करे नलकी सेट नहीं हो रही तो आप एक जो टेल्यूर है छोटा टेल्यूर एक नाट छोटने का उसको लगा के, और जिस साइड रिम को घुमाना है उस साइड चोट मारी है तो रिम क्या थोड़ी सी घूम जाएगी और आपकी नलकी सेंटर में आ जाएगी। और जो ये मैंने लंगोट का टुकड़ा लगाया है दोस्तों, जो गेटर का टुकड़ा लगाया है, मैं कभी लंगोट का टुकड़ा नहीं लगाता, क्योंकि लंगोट का टुकड़ा क्या होता है कि जल्दी से फट जाता है। कई भाई क्या करते हैं जो लंगोट होता है टायर का उसी को काट के उसका टुकड़ा लगा देते हैं, तो लंगोट का टुकड़ा दोस्तों चलता नहीं है। इसलिए मैं क्या है कि जो गेटर होता है पुराना गेटर उसका टुकड़ा काट के उसका ही लगाता हूँ। तो अभी से दोस्तों थोड़ी सी हवा भर के बाद में आप इसके कड़े को सेट कर लीजिए। कड़े का आप दोस्त देख सकते हैं दोस्तों, कैसे भी एकदम कोई दिक्कत नहीं है, सात जगह से सेट हो गया है, ठीक है? तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें, अब इसके ऊपर टामी लगा के इसकी हवा भर देते हैं। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।